चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे से मांगा जवाब, जवाब देने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त। ज्ञानवापी केस में टला फैसला, अब 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से कार्बन डेटिंग की मांग की, कहा 11 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग पर कोर्ट सुना सकता है फैसला। ईश्वर को न मानने और पूजा न करने की शपथ पर घिरे केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, बीजेपी बोली ये दंगा कराना चाहते हैं। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल और राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ शिकायत दी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में फिर ईडी का एक्शन, दिल्ली हरियाणा पंजाब हैदराबाद में छापा, केजरीवाल बोले 500 से ज्यादा रेड, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदियों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता, एमईए की पाकिस्तान सरकार से अपील, कहा भारतीय कैदियों को तुरंत रिहा करके भारत भेजा जाए। एलएसी विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के जो जरूरी कदम है उस पर अभी नहीं पहुंचे हैं। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, एयरपोर्ट पर असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने किया स्वागत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 30वां दिन, राहुल गांधी ने कर्नाटक के मांड्या से शुरू की आज की यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बच्चे की तस्वीर ली, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, जी न्यूज से कहा यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यात्रा का मकसद सरकार को जगाना है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा आज राजस्थान में 23,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। 9 अक्टूबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच, दोनों टीमें मैच के लिए रांची पहुंची। वंदे भारत से भैंस के टकराने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा ट्रेन को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक, मेदांता अस्पताल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। नोएडा के सेक्टर 3 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से आसमान में छाया काला धुआं। कल से कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र से जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का आरोप, बंदूक दिखाकर लगवाए गए नारे, विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट। कर्नाटक के बीदर में ऐतिहासिक महमूद गवां मदरसे में पूजा को लेकर तनाव, बीती रात दर्जनों लोगों ने मदरसे में घुसकर पूजा की, 4 लोग गिरफ्तार। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बीदर की घटना पर बयान, नकवी ने सभी से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उत्तरकाशी में एवलांच की घटना के बाद अब तक कुल 26 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी जारी, जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लखनऊ में तेज बारिश से गिरी दुकान, हादसे में कोई जनहानि नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, लोग घरों में दुबके। मुंबई एनसीबी की ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 60 किलो ड्रग्स के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। अफ्रीकी देश गैम्बिया में कोल्ड और कफ सिरप पीने से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत, डब्ल्यूएचओ ने सर्दी के सिरप को हटाने के लिए घर घर अभियान शुरू किया। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास जारी, दोनों देशों के करीब 2,500 सैनिक सैन्य अभ्यास में शामिल हुए।